आपके पास में सिर्फ 7 साल है। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त सज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। देखो, हमको ये दुनिया से जाना है, उसके पहले ये दुनिया को हम क्या देना चाहोगे वो डिसाइड करना जरूरी है। कौन सी फुटप्रिंट्स आप छोड़ना चाहोगे, आप दुनिया से जाएंगे तो क्या दुनिया को देके जाने वाले हैं, और वो यदि आपके पास में पर्पस होगा, वो यदि उद्देश्य होगा, तो फिर देखो आपकी जिंदगी बहुत मजे वाली रहेगी। तो 7 साल कैसे है, मैं भी आऊंगा मेरे टाइटल के ऊपर कि 7 साल आपके पास में कैसे। यदि आप कैलकुलेट करते हो, समझो आपकी लाइफ 75 साल है, तो उसमें से 1/3 लाइफ मतलब 24 साल आप सोते हो, रोज के 8 घंटे बोले तो 24 साल आप सोते हो, 30 साल उसमें क्या आप काम करते हो, एक्चुअली ब्रेड अर्निंग या ब्रेड विनिंग, मतलब खाना पीना घर चलाना है पैसे कमाना है, तो उसमें 24 साल आप बिताते हो, 5 साल आप रोज का जो खाना पीना जो है उसमें डालते हो, खाना पीना नहाना धोना उसमें 5 साल जाते हैं, 3 साल आपके परिवार के साथ धन्यवाद बिताते हो, 4 साल सोशल एक्टिविटी में आप बिताते हो, सोशल एक्टिविटी या फंक्शंस में सोसाइटी में जाना आना, 2 साल आप टॉयलेट में देते हो, ऐसे टोटल हमने मार दिया तो टोटल होती है 68 साल, 68 ईयर्स। फिर आपके पास में बचे कितने हैं, आपके पास में सिर्फ 7 साल बचे हैं, और वो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर आपकी जिंदगी है कि भाई आपको जिंदगी में मजा आएगा नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास में 24 घंटे रोज के हैं, इसका मतलब ही 168 घंटे आपके एक हफ्ते में है, और 8760 घंटे आपके एक साल में है, और 86,400 सेकंड्स आपके पास में हर रोज है। तो आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं वो आप देखो। यदि आप रोज 8 घंटे काम करते हो, कमाने के लिए 8 घंटे देते हो, 8 घंटे आप सोते हो, 7 से 8 घंटे, कोई 7 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, समझो 8 घंटे हम पकड़ते हैं, 3 घंटे हम बाथरूम फूड टॉयलेट इसमें दिए, हम रोज का हिसाब लगा रहे, 3 घंटे हम फैमिली और सोशल एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, तो ये टोटल हमने मार दिया, तो 8 घंटे ब्रेड अर्निंग, 7 घंटे स्लीप, 3 घंटे खाना पीना टॉयलेट, और 3 घंटे सोशल फैमिली, 8 और 8 16 और 3 19 22 घंटे हो गए। आपके पास में सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे बच गए। यदि नींद के आपने 7 घंटे कर दिए तो आपके पास में 3 घंटे बचे हैं। अब 3 घंटे रोज के हैं, उसमें आप आपकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं 3 घंटे में, रोज के 3 घंटे आपके पास में है, तो आपको क्या क्रिएशन करना उसके ऊपर है। एक सर्वे किया गया, उसमें पाया गया कि लोगों को उन्होंने फॉलो किया, उम्र के 25 साल से 65 तक उन्होंने फॉलो किया, और 100 लोगों को ऐसा फॉलो किया, तो जब 100 लोगों को फॉलो किया तो उनको ऐसा दिखा कि जब 65 साल के वो हो गए वो लोग, तो उसमें से 36 लोग उसमें से मर गए थे, 100 में से 36 मर गए थे, 54 लोग वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर जी रहे थे या फैमिली के सपोर्ट के ऊपर जी रहे थे, वो खुद कमा नहीं रहे थे और फैमिली उनको संभाल रही थी, 54 लोग, 5 लोगों को काम करना पड़ रहा था क्योंकि उनको खाना पीना है तो काम करना पड़ रहा है, तो 5 लोगों को काम करना पड़ रहा था एट द एज ऑफ 65 क्योंकि हमको पेट भरना है, तो 4 लोग अच्छे खासे ठीक थे मतलब फाइनेंशियली, और 1 व्यक्ति बहुत ही अमीर था। मतलब हम टोटल लगाते हैं तो 36 डेड, 54 सपोर्ट पे जी रहे, 5 लोग काम करते थे पेट भरने के लिए, 4 लोग ठीक ठीक थे और 1 बहुत अमीर था। तो ये जब फॉलोअप किया तो हमको पता लगा कि 100 में से 1 ही लोग अमीर बनता है। मतलब ऐसा है कि 1 व्यक्ति जो है वो 99 जो व्यक्ति है उनसे बहुत ज़्यादा धनवान निकलता है। तो ये सर्वे में से हमको पता चला। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली 20% लोग जो है वो 80% लोगों को भारी पड़ते हैं, वहाँ भी 20-80 का रूल है। तो ये हम देखते हैं तो हमको पता लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में हम कर क्या रहे और टाइम कितना महत्व का है, समय कितना महत्व का है, और समय का इस्तेमाल हम बराबर करते हैं तो बहुत सारा संभव है, क्योंकि हमारे पास में समय लिमिटेड है रोज, और फिर उसका इस्तेमाल करना प्रायोरिटी के बेस के ऊपर, तो फिर बहुत सारा हमें संभव है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।